सुरक्षित रहें। देखिए बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रहा है, इसलिए जल्दी से जल्दी निकाला जा रहा है यहाँ से कि दर्शन करें और निकलने की कोशिश करें। ऊपर भीमशिला है और ये आपको भीमशिला जो अक्सर आपने केदारनाथ की रील्स में देखी होगी। जल्दी जल्दी आपको कहीं ऊपर से थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ। ये लोग भी सब माथा टेक के आ चुके हैं और ये देखिए स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है और ठंड से हमारी भी बुरी हालत है, अकड़ गए हैं। और ये देखिए किस तरह से सब कुछ वाइट वाइट हो चुका है। ये वो भीमशिला जो कि मंदिर के पीछे है बिल्कुल, जो पानी को उस टाइम उसने रोक दिया था बिल्कुल। ये देखिए और ये उस स्वर्ग जिसमें ये स्नोफॉल हो रहा है। जय हो, ये देवी देवता है यहाँ पे। तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, जय भोले बाबा। ये देखिए सामने सफेद चादर बिछ चुकी है पर्वतों पे और सब जगह, और मंदिर में कितनी भीड़ है ये देखिए किस तरह से। जितनी कोशिश हो पा रही है उतना दिखा रहा हूँ ब्लॉग्स में, बाकी मिलेंगे कभी। और देखिए इस टाइप से रील बनाई जा रही है, अब बनता भी है क्योंकि इतने दूर से लोग आते हैं तो रील्स फोटोज़ वगैरह वो तो चाहिए। और मंदिर में दर्शन करके जब आते हैं तो इस साइड से हमें निकाला जाता है। जय श्री केदार, मिलते हैं कहीं और। तपस्वी बैठा हूँ। बाबा जी कितने टाइम से आप यहाँ पे हो? अरे हम तो यहाँ आए 1990 से हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रहा है आज, श्रद्धालु इसी तरह आते रहते हैं यहाँ पे। रहते हैं बर्फ में बैठे हुए। जय भोले, जय भोले आजा। भोले ऐसा आशीर्वाद दें कि हम दोबारा आए। देख आजा, तू देख जा आशीर्वाद, मैं तेरे को देता हूँ वैसा कि तू याद करेगा जीवन। ठीक है बाबा जी। ये बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रहा है और बर्फ की सफेद चादर, अब मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है। बर्फ की सफेद चादर यहाँ पे बिछ चुकी है और बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रहा है और मौसम विभाग की तरफ से भी सूचना दे दी गई है कि टाइम से निकल जाएं जिन श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिया है। तो हम भी अब दर्शन करने के बाद निकल रहे हैं बस। ये देखिए तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, हम मिलते हैं गौरीकुंड में। ये देखिए नज़ारे, आज फर्स्ट टाइम स्नोफॉल हुआ मेरे सामने, वैसे तो होता रहता है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा। ये देखिए इस तरह से प्रसाद की दुकानें दी हुई हैं और बर्फ से चार चांद लग गए हैं। तो स्नोफॉल की वजह से हम जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, नहीं तो हमारा यहाँ पे थोड़ा रुकने का प्लान था, लेकिन अब नहीं, अब तो निकल रहे हैं बस सब तो, क्योंकि घर भी पहुँचना है। अगर यहाँ पर फंस गए तो फिर 2-3 दिन लगेंगे, तो वो समय हमारे पास है नहीं। और दूसरे एंगल में से अपने आप को दिखा नहीं सकता क्योंकि हम बने हुए सस्ते जादू जो आपको रील्स वगैरह में आपको दिखाते रहेंगे, शॉर्ट्स वगैरह में। चलो जी मिलते हैं किसी और एंगल से, तब तक बने रहिए। जैसे केदार, जय भोले बाबा। ये देखिए केदारनाथ के साथ ही कोई लेक है, छोटा सी ताल है सॉरी, तो पता नहीं कौन सा ताल है लेकिन पानी यहाँ पे जमा रखा है, सभी लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। और इस साइड देखिए नज़ारे, हरे नज़ारे नज़ारे, और सभी लोग कुछ आते हुए कुछ जाते हुए चल रहे हैं सब। तो बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं किसी और एंगल से, तब तक जय श्री केदार, जय भोले। देखिए टेंट लगाए हुए हैं कई लोगों ने, कैंपिंग कर रहे हैं। और ये वो द्वार केदारनाथ जी, जहाँ से 1 किलोमीटर रह जाता है मंदिर, तो यहाँ से केदारनाथ जी को नमस्कार, बाकी फिर मिलेंगे कभी। जय हो, जय भोले बाबा। ये देखिए किस तरह से टेंट लगाए गए हैं, इस साइड आप टेंट भी लगा सकते हैं। केदार ना दुड़के, और अपने अपनी लैंग्वेज में देखिए जयकारे बोले जा रहे हैं भोले बाबा के, तो मुझे तो समझ नहीं आई लेकिन जय जरूर बोली। ये ब्रो क्या बात है, सभी श्रद्धालु आ रहे हैं और स्नोफॉल कंटिन्यू चल रहा है, इसलिए हम भी जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। जय श्री केदार। तो ये था हमारा सफ़र केदारनाथ का, जिसमें हमने खूब इंजॉय किया। और अभी आप देख पा रहे हैं
भागीरथी और एक तरफ से अलकनंदा, जहाँ पे इनका संगम होता है, फिर वहीं से ये दोनों मिलकर बनाती हैं गंगा। तो आई होप आपने इंजॉय किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।